हमने वो कुछ चंद सवाल उनके बारे में बात की थी कि जिसको वेदांत आंसर करने की कोशिश करता है। यहाँ से अब जाते हैं हम कोर व्यूज जो हैं, जिसमें यूनैनिमस है। ऑब्वियसली ये वैसा नहीं है कि शंकराचार्य इज फ्रॉम मार्स एंड रामानुजाचार्य इज फ्रॉम वेनस, ऐसा नहीं है कि आसमान और ज़मीन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। दे वुड डिफर ऑन सर्टन क्रूशल एलिमेंट्स, जैसे माया का कॉन्सेप्ट है, बट देन देयर आर वो जो कॉमन थ्रेड है, जैसे आप शिया सुन्नी ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। ये ऐसी बात नहीं है क्या, से फॉर एग्जाम्पल इफ ए हिंदू लुक्स एट ए शिया एंड ए सुन्नी, यू वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट, सेम ही हरकतें कर रहे हैं दोनों। और अगर आप कोर बिलीफ्स की भी बात करें, सेम है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। दोनों का कोर टेक्स्ट बद्रयान ही है, तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज होंगी ही। पहले तो दोनों शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, दे बोथ रिजेक्ट सर्टन थिंग्स, दोनों। जैसे वो रिजेक्ट करते हैं ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन जो ये कहे कि ये कायनात जो बनी है, इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स जो खुद से इकट्ठा हुए ये चीजें बनाने में, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन बाय इटसेल्फ, रिजेक्ट। दोनों ये दोनों रिजेक्ट करते हैं ऐसी कोई भी थ्योरी विच सेज कि ये जो कायनात है, इट इज जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अनकॉन्शियस नेचर जो स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व होती है इनटू ऑल सब्जेक्ट्स, और दे रिजेक्ट एनी सच थ्योरी दैट द वर्ल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और थ्री और फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट रियलिटीज। जैसे किसी के लिए मैटर एंड गॉड, जिसमें से एक मटीरियल है, दूसरा एफिशिएंट कॉज है, वेयर द एफिशिएंट कॉज क्रिएट्स द वर्ल्ड फ्रॉम द मटीरियल थिंग। ये दोनों एग्री करते हैं कि अनकॉन्शियस कॉज नहीं कर सकता क्रिएट इस कायनात, एक अनकॉन्शियस कॉज कर ही नहीं सकता। दोनों ये कहते हैं कि जो ड्यूअलिस्टिक कंसेप्शन रखते हैं कि ओके कॉन्शियस है एक, एक अनकॉन्शियस है, ये भी नहीं मानते कि ये अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन है। ये आया कहां से दोनों के पास ये व्यू? इसका कोर स्टेटमेंट है उपनिषदिक, और ये जो ये कोर स्टेटमेंट है ना, इसके लिए भी एक टेक्निकल टर्म है। इफ यू वांट टू स्टडी दीज थिंग्स फर्दर, ये जो स्टेटमेंट्स मैं बोल रहा हूँ कोर स्टेटमेंट, द टेक्निकल टर्म वुड बी महावाक्य। देयर आर सर्टन महावाक्य एट द कोर स्टेटमेंट, वाक्य इज फॉर अ सेंटेंस, महा इज लाइक बिग। कोर स्टेटमेंट उपनिषदिक स्टेटमेंट हियर इज ऑल इज ब्रह्मन। जब ऑल दैट देयर इज ब्रह्मन, दो रियलिटीज रिजेक्ट हो गई। तो मैटर और माइंड ये इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है, दीज आर ग्राउंडेड इन द सेम रियलिटी इज ब्रह्मन। दोनों रामानुजाचार्य और शंकराचार्य क्या हो गए थे? मोनिस्ट्स। दे बिलीव इन वन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट रियलिटी विच परवेड्स ऑल द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ इट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड सेल्फ। बद्रयान, बड़ा डिटेल में हमने जब बद्रयान के ब्रह्मसूत्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें हमने ये बात की थी कि वो रिफ्यूट करते हैं दूसरे व्यूज को। सो बद्रयान वो ही डिस्कसेस एट लेंथ द अनसेटिस्फैक्टरी नेचर ऑफ दीज अदर थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। तो शंकर एंड रामानुज दोनों इसी को फॉलो करते हैं, तो दे बिकम देयर व्यूज एज वेल। और ये जो रिफ्यूटेशन है, ये नेसेसरली स्क्रिप्चरल नहीं है कि आपने कहा कि दो हैं लेकिन वेद कह रहे एक है, ये तो होगी स्क्रिप्चरल रिफ्यूटेशन। समटाइम्स इट इज प्योर रीजनिंग कि जो आप बात कह रहे हैं लॉजिकली गलत है। हम कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ एक, सो दैट यू गेट अ फ्लेवर। सांख्य ने क्या कहा था? सांख्य ने कहा था कि एक अनकॉन्शियस प्राइमल मैटर प्रकृति के, जिसके तीन गुण हैं सत्व रजस और तमस, दे गिव राइज टू द वर्ल्ड। इसमें कोई गाइडेंस नहीं है किसी कॉन्शियस एजेंट की। एक बद्रयान इसको एक अनसेटिस्फैक्टरी ये एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? कहते हैं ये जो कायनात हमारे सामने है, ये हार्मोनियस है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर नाइसली एडजस्टेड,
हम इनको एक्सीडेंटल प्रोडक्ट ऑफ अनकॉन्शियस कॉज नहीं मान सकते। ये कहते हैं बद्रीनाथ कि सांख्य खुद कहता है ये जो दुनिया है इट कंसिस्ट ऑफ बॉडीज सेंसेस मोटर ऑर्गन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एंड इट इज मेड जस्ट टू फिट द डाइवर्स सोल्स बॉर्न इनटू इट। देखिए एक शख्स है, अब इसको फिर से पुनर्जन्म हो रहा है इसका, गेटिंग बर्थ अगेन। नाउ द पर्सन हु इज गेटिंग बर्थ अगेन द लॉ ऑफ कर्मा इज ऑपरेटिंग। इसको अपने कर्मों के जो फल है वो चखने हैं, गुड और बैड। सो द वर्ल्ड एट दैट टाइम व्हेन ही इज बॉर्न वुड बी सच दैट इट वुड गिव हिम द बेनिफिट, मतलब गुड और बैड ऑफ हिज पास्ट डीड्स। बट हाउ कैन एन अनकॉन्शियस नेचर कैरी आउट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्लान। दूसरी बात, जब आपने एक पर्पस एक्सेप्ट किया वर्ल्ड का, तब आपको कॉन्शियसनेस भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी अ पर्पस। पर्पस तो होता ही किसी कॉन्शियस चीज का है। जब उसमें कॉन्शियस ही नहीं है, कॉन्शियसनेस ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई पर्पस होगा उसको तो पता भी नहीं है मैं किस लिए हूं, उसके अंदर तो कॉन्शियसनेस है ही नहीं। ये आर्ग्यू करते हैं कि जब आप पर्पस देते हैं वर्ल्ड को, एट द सेम टाइम यू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्शियस क्रिएटर, यू हैव क्रिएटेड एन एब्सर्ड पोजीशन। अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी इज एन इंटेलिजिबल थिंग, कि किसी मकसद के लिए कोई काम हो रहा है लेकिन जो कर रहा है उसको मकसद ही नहीं पता, ना उसका मकसद हो सकता है। सांख्य इसको आर्ग्यू करते हैं कि जैसे फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम अ काउ, वो कहते हैं ये स्पॉन्टेनियस है, बट इट इज फॉर द सेक ऑफ द काफ। देखिए कोई चीज स्पॉन्टेनियस हो सकती है और उसके बावजूद उसका कोई पर्पस हो सकता है। एक ये एक अनकॉन्शियस बट पर्पसिव एक्ट है। इसका जवाब वेदांत स्कूल ये देता है कि आप उस्ताद भूल गए, ये जो गाय है, ये जानवर, ये लिविंग है, ये जानवर है, इट हैज जान इन इट, इट इज लिविंग, इट इज अ कॉन्शियस बीइंग, एंड मिल्क इज नॉट प्रोड्यूस्ड अनकॉन्शियस स्टेट में, इट्स इम्पेल्ड बाय हर लव फॉर द काफ। कहने की बात ये कि आप कोई अनडिस्प्यूटेड एग्जाम्पल नहीं दे सकते कोई अनकॉन्शियस ऑब्जेक्ट का जो कोई कॉम्प्लिकेटेड पर्पसफुल एक्ट कर रहा हो। पुरुष जो है सांख्य का, वो खुद सांख्य एडमिट करता है कि वो इनएक्टिव है, वो तो हो ही नहीं सकता कॉज ऑफ द एवोल्यूशन। ये क्विक कमेंट है सांख्य पे, सो दैट यू गेट अ टेस्ट ऑफ वेदांत। वैसे ही वैशेषिक थ्योरी हमने पढ़ी थी कनाद की, कि ये जो दुनिया है ये डिफरेंट डिफरेंट कणों की बनी हुई है, अणुओं की, परमाणुओं की। ऑफ दिस वर्ल्ड इज एन एटॉमिक वर्ल्ड, इट इज क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। क्या जवाब देते हैं? अनटेनेबल, हो ही नहीं सकता। क्यों? अनकॉन्शियस एटम्स कैसे बनाएंगे ये जो इतनी खूबसूरत वंडरफुल वर्ल्ड है, एक वंडरफुल वर्ल्ड जिसमें एटम्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म एडजस्टेड है, कैसे बनाएंगे अनकॉन्शियस? सेम आर्ग्यूमेंट एज प्रीवियस। इसका जवाब कनाद क्या देते थे, वैशेषिक स्कूल इसका जवाब क्या देता था, हमने वहां पढ़ा था, यहां पर ब्रीफली बता दो। मॉरल लॉ ऑफ अदृष्ट, सो इट इज द मॉरल लॉ ऑफ अदृष्ट विच क्रिएटेड। कहने का मतलब इसको लेमैन टर्म्स में, कि वही कि इस बंदे ने अच्छे काम किए थे, इसको से फॉर एग्जांपल इसको महल मिलेगा, सो एटम्स वुड अलाइन देमसेल्व्स इन द मैटर सो दैट ही गेट अ महल। एक तो मॉरल लॉ ऑफ अदृष्ट इज एक्सेप्टेड, दैट गाइड्स द क्रिएशन। लेकिन वेदांत कहता है कि क्योंकि उस्ताद आप तो एक बात भूल गए कि लॉ ऑफ अदृष्ट इटसेल्फ इज अनकॉन्शियस, तो आपने जो डिफिकल्टी रिमूव की, आपने उसको रिमूव नहीं किया, आपने उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया। सवाल अब अदृष्ट पे यही उठेगा कि अनकॉन्शियस कैसे एक कॉन्शियस एक्टिविटी कर सकता है।
इसके अलावा वेदांत आर्ग्यू करता है कि ये जो एटम्स हैं, ये पहले हाउ डिड दे इवन बिगिन टू मूव, द फर्स्ट क्रिएशन टू क्रिएट द वर्ल्ड, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। अगर मोमेंट इनहेरेंट नेचर है एटम्स का, अगर ये क्रिएशन इनहेरेंट है इनके अंदर, दे वुड नेवर सीज टू मूव, तब प्रलय कैसे होता है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो कैसे होती है? लेकिन वैशेषिक तो प्रलय और डिस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है। वेदांत कहते हैं डिस्ट्रक्शन वुड नेवर टेक प्लेस देन। अब सोल्स है फॉर एग्जाम्पल, सोल्स को तो ऑफकोर्स वैशेषिक एक्सेप्ट करता है, लेकिन दे डोंट हैव इंट्रिंसिक कॉन्शियसनेस। वैशेषिक ने कहा था ना कि कॉन्शियसनेस सोल्स के अंदर कब आती है, वेन दे आर एसोसिएटेड विद बॉडीज एंड द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज। तो क्रिएशन से पहले तो बॉडीज थी नहीं, क्रिएशन से पहले ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज थी नहीं, तो सोल्स ऑल्सो कैन नॉट बी देयर गाइडिंग वंस। तो ये कहकर वो नटशेल में कहते हैं एटम्स कैन नॉट, दे कैन नॉट बी देयर सोर्स ऑफ क्रिएशन। बुद्धिस्ट उनको भी रिफ्यूट करते हैं। बुद्धिस्ट क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट कहते हैं कि दे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दीज आर एग्रीगेट्स, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंटरी एलिमेंट्स। क्षणिकवाद हमने पढ़ा था, मोमेंटरीनेस, एवरीथिंग इज फॉर अ मोमेंट देन वैनिशेस। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर ऐसा है, मोमेंटरी थिंग्स कैन नॉट पजेस एनी कॉजैलिटी, दे कैन नॉट कॉज एनीथिंग। Why? इसका ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, कहते हैं कि कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए दो स्टेप चाहिए, पहले द कॉज मस्ट अराइज एंड देन द कॉज मस्ट एक्ट। दो स्टेप्स हैं, दो स्टेप्स नेसेसरली मीन्स एग्जिस्टेंस फॉर टू मोमेंट्स ऑफ द सेम थिंग। लेकिन ये तो क्षणिकवाद के खिलाफ है, क्षणिकवाद एक से ज्यादा वक्त पे चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। इवन इफ द सेपरेट मोमेंट्री एलिमेंट्स बी समहाउ प्रोड्यूस्ड, तब भी आप एग्रीगेट्स का प्रोडक्शन कैसे बताओगे? हाउ आर एग्रीगेट्स प्रोड्यूस्ड? एग्रीगेट्स मीन्स दोज दैट हैव पार्ट्स। और नो सबस्टेंसेस आर एडमिटेड विच कैन ब्रिंग टुगेदर द एलिमेंट एंड प्रोड्यूस द डिजायर ऑब्जेक्ट। कॉन्शियसनेस को भी बुद्धिस्ट एक्सेप्ट करते हैं एज एन इफेक्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब अगर आपको याद हो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, मतलब एस्क्राइब टू हिज टीचिंग्स, कि सोल होता ही नहीं है, कॉन्शियसनेस कहाँ से उस्ताद? तो उन्होंने, उनका जवाब था कि ये पांच स्कंद जब एक साथ आते हैं तो वॉट इज प्रोड्यूस्ड इज ए कॉन्शियस स्टेट, सोल इट सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट। तो कॉन्शियसनेस यहां पे एक्सेप्ट हुई एज व्हाट? एज एन एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो देयरफॉर इट कैन नॉट एग्जिस्ट बिफोर एग्रीगेशन बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीगेशन। एंड डिफिकल्टी ऑफ अनकॉन्शियस कॉज वो फिर से अराइज हुई, एक अनकॉन्शियस कॉज क्रिएटिंग ए कॉन्शियस रिजल्ट। वो हमने विज्ञानवाद पढ़ा था जिनका सब्जेक्ट टू आइडियलिज्म वाला कंसेप्ट था, ये दुनिया जो है इट्स लाइक अ ड्रीम, इट्स ओनली एन इल्यूजरी प्रोडक्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। तो शंकराचार्य बद्रयान भी इसके खिलाफ प्यार क्यों करते हैं, कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो आप, लिसन टू योर सेल्फ स्पीक, ये दुनिया ख्याली है। ओ भाई, हमें यही दुनिया दिख रही है बस, देयर इज नथिंग बट दिस दैट वी एक्सपीरियंस, बिकॉज दे आर परस्यूड टू एग्जिस्ट बाई ऑल पर्सन। यही एक चीज है जिसपे हम यूनिवर्सली एग्री कर रहे हैं, एक कायनात है बाहर। टू डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉट, ऑफ अ क्लॉथ और अ पिलर वाइल इट इज बींग परस्यूड मेक्स नो सेंस। मेरे सामने एक चीज है एंड यू आर टेलिंग मी कि ये है ही नहीं। अरे मैं अकेला होता बेवकूफ, ये पूरी दुनिया बेवकूफ है।
सो द आर्ग्यूमेंट इज रिड्यूस्ड टू एन एब्सर्डिटी. इट्स एन एब्सर्ड थिंग टू से. इट इज लाइक डिनाइंग दैट द फूड हैज अ फ्लेवर व्हाइल यू आर ईटिंग इट. ये ऐसी बात है. ये फॉलिसिफाई करता है इमीडिएट एक्सपीरियंस को बाय शेयर फोर्स एंड डॉग्मा. शंकराचार्य कहते हैं कि अगर हम इस इमीडिएट एक्सपीरियंस को डिसबिलीव करें देन व्हाई नॉट डिसबिलीव दैट यू आर डिसबिलीविंग. वो भी तो इमीडिएट एक्सपीरियंस. मेंटल स्टेट्स को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, उनको भी डिसबिलीव कर. वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट. इसका पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ह्यूम ने वेस्टर्न फिलॉसफी में दिया था, जब बर्कले ने जॉन लॉक ने कहा कि माइंड में कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. बर्कले ने बोला सही बात बोली उस्ताद. सो इफ एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस देन ऑल वी हैव इज एन एक्सपीरियंस. वी डू नॉट नो द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स. वी ओनली नो वी. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में क्या खाया? कुछ नहीं खाया. जस्ट हैड अ सेंस ऑफ टेस्ट, जस्ट हैड अ सेंस ऑफ स्मेल, जस्ट हैड अ सेंस ऑफ साइट. दैट्स ऑल यू हैड. यू हैड अ बंच ऑफ आइडियाज. दैट्स ऑल यू हैड. सो द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट्स इज योर ब्रेन, इज योर माइंड. तुमने बोला बात तो सही बोली उस्ताद, एक स्टेप आगे बढ़ो. माइंड को भी तो परसीव किया. सो यू ओनली हैव अ परसेप्शन दैट यू आर परसीविंग अदर थिंग्स. माइंड्स डोंट एग्जिस्ट. दैट्स ह्यूम स्केप्टिसिज्म. तो उसका नेगेटिव वर्जन शंकराचार्य यूज कर रहे हैं कि आपने इमीडिएट एक्सपीरियंस को डिसबिलीव किया तो इसको भी डिसबिलीव करें. तब शंकराचार्य आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अगर आप ये मानते हैं कि ये जो माइंड के इल्यूजरी आइडियाज हैं, दीज आर व्हाट अपीयर टू अस एज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ये मीनिंगलेस है अनलेस एंड अंटिल आप कुछ एक्सटर्नल को एक्सेप्ट करें. एक्सटर्नल क्यों बोला था? देयर हैज टू बी समथिंग एक्सटर्नल फॉर वी टू एडमिट दिस. अदरवाइज इट वुड बी एज गुड एज टू से दैट अ सर्टन मैन लुक्स लाइक द चाइल्ड ऑफ ए बैरन वुमन. शंकराचार्य फर्दर आर्ग्यू करते हैं अनलेस डिफरेंट परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे एक पॉट, एक क्लॉथ, अनलेस यू एडमिट देयर एग्जिस्टेंस, तब आप मतलब अगर आपने इसको एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया तब मुझे बताइए आइडिया ऑफ पॉट और आइडिया ऑफ क्लॉथ में डिफरेंस क्या है. कॉन्शियसनेस और ख्याल तो सेम चीज है. ख्याल, एक ख्याल दूसरे ख्याल से डिफरेंट है ही नहीं. इट्स द कंटेंट दैट इज डिफरेंट. ख्याल तो ख्याल है. तो ये जो पॉट का ख्याल है और क्लॉथ का ख्याल है, इन दो ख्यालों में डिफरेंस क्या है अगर पॉट और क्लॉथ बाहर है ही नहीं? बोथ आर डिस्क्राइबिंग द सेम नथिंग. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स? शंकराचार्य फर्दर आर्ग्यू करते हैं, कहते कि सपने में जो हम चीजें देखते हैं और जाग के जो हम चीजें देखते हैं उनमें डिफरेंस होता है. There is a vital difference between the two. ये जो सपने वाली चीजें हैं they can be contradicted by waking experience. सपने में रूम के अंदर देखा मैंने यूनिकॉर्न, जागा तो नहीं था. सपने में देखा कि लिमोजिन से उतर के लैम्बोर्गिनी में चढ़ा और चलाई, लेकिन रियलिटी में देखा वो कैसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो कैन बी कॉन्ट्राडिक्टेड एंड सेड ये तो गलत था पूरा. लेकिन जो वेकिंग एक्सपीरियंस है इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनरियल एज लॉन्ग एज यू कैन नॉट शो ए हायर रियलिटी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इट. तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और ऑब्वियसली नाइलिज्म को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया. नाइलिज्म इसी का आगे वाला स्टेप होगा कि ये जो थॉट भी था ये भी नहीं था, शून्यवाद, देयर इज एक्चुअली नथिंग. सो दे फेल टू एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड. डीस्टिक थियरीज भी हिंदुस्तान में प्रिवेलेंट थी. शेव या पशुपताज, ये सारे स्कूल्स, हमने इनको नहीं पढ़ा तो डीस्टिक थियरी, लेकिन हमने कभी कभार इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि डीस्टस बिलीव गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड आउट ऑफ दिस पैटर्न एंड देन ही इज लाइक एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड वेंट अवे.
बीन देयर डन दैट, कोई लेना देना नहीं, एक एफिशिएंट वर्ल्ड बनाई जो खुद का ख्याल खुद रख सकती है। सो इसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। यहां पे क्या है चीफ ऑब्जेक्शन? सो द चीफ ऑब्जेक्शन रेज्ड हियर इज दैट एज सच ए व्यू इज बेस्ड नॉट ऑन वेदास। ये वाली रीजनिंग वेदास पे बेस्ड है नहीं, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि वेदास ये कह नहीं रहे, आपने ये इंडिपेंडेंट रीजनिंग से डिड्यूस किया, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस से आपने डिड्यूस किया, तब नेसेसरली इट शुड टैली विद व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर लाइफ। तो वेदांत के स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं इट डज नॉट टैली विद आवर एक्सपीरियंस। ये कहते हैं हमारे एक्सपीरियंस में क्या है, ए स्पिरिट कैन एक्ट अपॉन मैटर ओनली थ्रू ए बॉडी। ये जो पॉइंट है इसको भी मतलब फिलोसॉफिकली स्पीकिंग अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करें तो हमको पता चल जाएगा इन्होंने भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एंड इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन ऑल फिलोसफी कि हाउ डज अ स्पिरिट एक्ट ऑन मैटर, हाउ कैन अ स्पिरिट मेक मैटर मूव। तो वी डू नॉट हैव अ गुड आंसर टू इट। डिकार्ट ने ड्यूअलिज्म में अपने मैटर एंड माइंड को एक्सेप्ट किया था कि ये दोनों रियलिटीज है, फिर सवाल उनके पास भी यही आया हाउ इज दिस माइंड एबल टू एक्ट ऑन मैटर, नहीं कर पाया एक्सप्लेन उन्होंने बिल्कुल ही, मतलब यू वुड बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इस जैसा स्कॉलर इतनी लोग क्या बोले नथिंग एक्सप्लेनेशन, इसे जो पीनियल ग्लैंड में हो रहा है जो आपके ब्रेन में होता है पीनियल ग्लैंड वहां पे माइंड एक्ट्स ऑन मैटर बट द क्वेश्चन स्टिल इज हाउ द टू डिफरेंट थिंग्स एक्ट ऑन ईच अदर। तो स्पिरिट कैनॉट एक्ट अपॉन मैटर ओनली, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू ए बॉडी, कंसिस्टेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन मूवमेंट एटसेट्रा, उसी के थ्रू स्पिरिट एक्ट कर सकता है। तो ये जो एक्टिविटी है इसके इज कॉज्ड बाय सम मोटिव, इसका कुछ मकसद होता है, जैसे प्लेजर, रिमूवल ऑफ पेन, एनीथिंग कैन बी इट्स मोटिव। लेकिन डीस्टिक कंसेप्ट में गॉड इज डिवाइड ऑफ ए बॉडी, देन हाउ डज ही एक्ट ऑन द मैटर। दूसरा, गॉड इज फ्री फ्रॉम पैशंस, गॉड इज फ्री फ्रॉम डिजायर, वाई डज ही एक्ट, हाउ डज ही एक्ट एंड वाई डज ही एक्ट, दोनों सवाल ये पूछते हैं। हमारा जो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस है वी फेल टू अंडरस्टैंड द मैनर, ये मकसद क्या था और किया कैसे खुदा ने, ये सारी चीज। इसके बाद द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे, हमने देखा कि एज अर्ली एज वेदास, फॉरगेट अबाउट शंकराचार्य और बद्रयान फॉर अ वाइल, वेदास में ही खुदा के दो एस्पेक्ट में जिक्र हुआ है कि ही परवेड्स द वर्ल्ड बट ही इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय इट, ही इज ऑल्सो बियॉन्ड इट, ही इज वर्ल्ड प्लस समथिंग। तो इस तसव्वुर में खुदा इमिनेंट भी है, इमिनेंट मतलब हम खुदा को जान सकते हैं, ही इज विद इन अवर एक्सपीरियंस, ही इज नोएबल, दैट्स व्हाट इट मींस टू से गॉड इज इमिनेंट, एंड ही इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंट, दैट मीन्स आउटसाइड फुल ह्यूमन एक्सपीरियंस, कंप्लीटली हम उसको नहीं समझ सकते। ये जो दो एस्पेक्ट है खुदा के, ये आपको पूरे उपनिषद में मिलेगा, फिर पूरे उपनिषद में दिस रन्स थ्रू, एंड इफ इट रन्स थ्रू उपनिषद, इट रन्स थ्रू बद्रयान, इट रन्स थ्रू वेदांत। लेकिन वही डेविल इज इन द डिटेल, व्हाट इज इट एग्जैक्टली मीन टू से ट्रांसेंडेंट और इमिनेंट, इसमें डिफरेंस है। इस सब को जब आप सुन रहे होंगे, एंड मोर सो द वंस हु आर मुस्लिम्स हियर, आपने इन पर्टिकुलर ये गॉड इन ऑल थिंग्स को आपने ये बोला होगा कि ये पैंथियज्म है, और इसमें कोई शक नहीं है, वेदांत को यूजुअली डिस्क्राइब भी किया जाता है एज पैंथियज्म। पैंथियज्म के लफ्जी माने ऑल गॉड, दैट देयर इज गॉड, जो है खुदा है। लेकिन अगर
इफ ऑल इज गॉड देन स्टिल सम क्वेश्चंस रिमेन, कि इज गॉड जस्ट इज सम टोटल ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इफ यू एड एवरीथिंग ऑन वट एवर एग्जिस्ट इज इक्वल टू गॉड, या एवरीथिंग इज गॉड बट गॉड इज नॉट एवरीथिंग दैट यू नो, दैट मीन्स गॉड इज एवरीथिंग प्लस समथिंग. ये दोनों चीजें हो सकती है. जब आप ये डिस्टिंक्शन करोगे तब आप समझ पाओगे कि पैंथियज्म इज द फर्स्ट व्यू दैट द समेशन दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू गॉड, ये है पैंथियज्म. और ये जो दूसरा है गॉड इज ऑल ऑफ दिस प्लस समथिंग, इसके लिए तब टर्म होगी पैनेंथियज्म. पैंथियज्म की एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए और टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन के वेदांत का जो गॉड है वो इमिनेंट ही नहीं है, उसका ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट भी है, हम हमारे डिस्कशंस में वर्ड पैनेंथियज्म यूज करेंगे सो दैट वो डिस्टिंक्शन रहे. यहां पे ये भी जरूरी है आपको बोलना कि उपनिषद और लेटर वेदांतिक लिटरेचर, इसमें जो ये वर्ड ब्रह्मन यूज होता है ये दो सेंस में यूज होता है. एक तो एज द हाईएस्ट प्रिंसिपल और एब्सोल्यूट रियलिटी और एज फॉर द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दोनों के लिए यही वर्ड यूज होता है. कभी कभार ईश्वर वर्ड भी यूज होता है, ये जो सेकंड एस्पेक्ट मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वाला एज द क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, इसके लिए ईश्वर भी कभी कभार यूज होता है वर्ड, बट बाय एंड लार्ज ब्राह्मण. अंग्रेजी में हम इस हाईएस्ट प्रिंसिपल एब्सोल्यूट रियलिटी के लिए यूजुअली वर्ड एब्सोल्यूट यूज करते हैं, और ये ईश्वर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड के लिए गॉड यूज करते हैं यूजुअली. लेकिन फिलोसॉफी में और फिलोसफर्स ने हिस्टोरिकली गॉड को दोनों के लिए भी यूज किया है, जैसे स्पिनोजा या हीगल इन्होंने. एडवर्ड कैड एवोल्यूशन ऑफ थियोलॉजी में कहते हैं द आइडिया ऑफ गॉड एज एन एब्सोल्यूट पावर और प्रिंसिपल. तो दोनों इनको आइडिया को गॉड वर्ड इनकल्केट अपने अंदर करता है. हम इसी सेंस में यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड हम इसी सेंस में बात कर रहे होते हैं, एंड ब्रह्मन बोथ एज एब्सोल्यूट एंड गॉड एज वी नो गॉड. एक तो साइमल्टेनियसली दो वर्ड्स भी हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पे दैट विल बी डिस्क्राइबिंग. अनदर पॉइंट ऑफ दैट वी नीड टू मेंशन हियर एंड दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट अमंग वेदांतिन्स इज दैट ऑल ऑफ दीज स्कूल्स बिलीव कि जो खुदा के एग्जिस्टेंस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे ऑल्सो से इट, वो कि नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा के होने का तसव्वुर, ये रीजनिंग से नहीं मिल सकता. दिस इज लाइक हार्ट ब्रेक मोमेंट. दे नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय रीजनिंग, इट इज ऑनली एंड ओनली ऑब्टेन्ड बाय, ये हम वेदांत पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देम रिवील्ड स्क्रिप्चर, गॉड कैन ओनली बी नोन थ्रू रेवल्यूशन. देखिए इसमें वी डेफिनेटली एडमिट कि द परफेक्शन ऑफ रिलीजियस लाइफ, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये सारी चीजें डिवोट सोल्स लॉजिक के थ्रू नहीं करते. इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, ए मिस्टिकल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट रैशनल एक्सपीरियंस. ठीक है, टू स्टार्ट विद वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट नॉलेज ऑफ गॉड एंड दैट इज थ्रू द टेस्टिमनी ऑफ स्क्रिप्चर्स. फॉर हिंदूज दे माइट बी वेदास, फॉर मुस्लिम्स कुरान, फॉर अदर्स बाइबल, सो दैट्स इनडायरेक्ट टेस्टिमनी. ठीक, वेदांत में जैसे न्याय में अगर आपने देखा होगा न्याय ने बड़ा डिटेल में गॉड के प्रूफ्स डिस्कस किए, या बाकी थीस्टिक सिस्टम्स ने प्योर लॉजिकल प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम इसके बाद वाला टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को. तो
यहां पे कोई अटेम्प्ट नहीं होगा. वेदांत वुड नॉट ट्राई टू आर्ग्यू के वेदर गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट. आर्ग्यूमेंट्स इनफैक्ट यहां पे इसलिए दिखाए जाएंगे टू शो द इनएडिक्वेसी ऑफ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट, जो स्क्रिप्चर पे बेस्ड नहीं है उनकी इनएडिक्वेसी. दिस इज नॉट एनफ टू शो प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. ये व्यू आपको फील हो रहा होगा कि ये डॉगमेटिक है एंड देन सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, ये लॉजिकल नहीं है. लेकिन याद रखें ये कोई छोटा मोटा व्यू नहीं है फ्रिंज एलिमेंट के दो बंदों ने बोला. इट इज ए नोटेड व्यू एंड हाईली रेस्पेक्टेड व्यू एंड इट इज द व्यू ऑफ द लाइक्स ऑफ कांट. इनफैक्ट कांट मेड हिज He made it a point to refute all these arguments of God. A believer himself. But said, believe. तभी इसका नाम belief है. तभी इसका नाम belief है. Believe in it. Lots भी एक और scholar हैं. उनका भी यही view है. And he makes it clear that unless we start with some faith in God, rational proof किसी काम के नहीं है. उनके लफ्जों में He says, all proofs that God exists are mere pleas. That's all they are. They are pleas. They are put forward in justification of our faith. ये अपना faith पहले है, फिर justification. और ये जो ये faith है, ये आता कहाँ से है? पता नहीं कहाँ से. Obscure impulse inside us, which drives us to pass in our thought from the world given in sense to the world. Not given in sense. हमको नहीं पता है कहां से आता है हमारे अंदर. और यही हकीकत है. अल्लाह ताला भी जब कुरान में अल्लाह ताला किसको विटनेस बनाते हैं अपना इस चीज के लिए, तो टेल यू कि आखिरत होने वाली है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ इसी चीज को. अब सूरह क़यामत में देखें अल्लाह ताला पहली आयत में क्या कहते हैं. उसको ट्रांसलेट दो तरीकों से किया जाता है. बाय एंड लार्ज अल्लाह ताला कसम खाते हैं आपकी रूह की कि क़यामत आने वाली है. Others say ki God is saying your soul is a witness. Hai qiyamah aane wali. Your soul tells you ki kuch hone wala hai aage. Achhe aur bure ka hisab hone wala hai. Ye khuda hai. Aur maine agar podcast mein hum usko inshallah update to karenge hi. Paul Bloom ka religion is natural research paper. So wo bhi ab yahi argue kar rahi hai modern science ki certain beliefs are natural. Jisme तभी बिलीव नहीं है कि नमाज काबा की तरफ मुड़ के पढ़नी है ये नेचुरल बिलीफ है ह्यूमंस करना. नहीं, बट सर्टन बिलीव्स दे आर लाइक फंडामेंटल टू रिलीजन. जैसे ड्यूअलिटी ऑफ सोल एंड बॉडी, असाइनिंग एन एजेंसी, ये सारी चीजें दे आर नेचुरल टू ह्यूमंस. तो वेदांत के हिसाब से भी इनिशियल फेथ इज नेसेसरी एक रिलीजियस लाइफ जीने के लिए. ये जो फेथ है ये स्टार्टिंग पॉइंट है पर्सनल फीलिंग का. ये उत्पन्न, ये हमारे अंदर जिंदा होता है बाय फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, ए डिस्क्वाइट, ए लॉन्गिंग फॉर समथिंग हायर. इट इज लाइक ए मेयर ब्लाइंड ग्रोपिंग इन द डार्क टिल इट इज एनलाइटेंड बाय द टीचिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स. फिर जब हमारे सामने स्क्रिप्चर आता है कोई, तो हमारा दिल खुल जाता है कि यस दिस इज व्हाट आई नीडेड, दिस कंप्लीट्स मी. रीजनिंग की अपनी हैसियत है. ये जरूरी है जो हमने हासिल किया उसको समझने के लिए, अगर कोई डाउट है उसको रिमूव करने के लिए. सो इट ओनली बिकम्स व्हाट, ये एक रेफरेंस है, ये मेन टेक्स्ट नहीं है. बाय इटसेल्फ रीजनिंग इज एन एम्प्टी फॉर्म. रीजनिंग को आपको कंटेंट देना पड़ेगा कोई कंक्लूजन निकालने के लिए. रीजनिंग क्या है? इफ ए इज बी, बी इज सी, देन ए इज सी. What do you mean by it? Nothing. It means nothing. This sentence means nothing. You have to give it content. If ice is water, water is matter, ice is matter. Now you gave it content. Now the logic makes sense. So you have to supply materials to logic. Scriptures supply the reason. Scriptures supply the matter for philosophy to do its work. So, स्क्रिप्चर जो बोलेगा, वेदांत जो बोलेगा, वेद जो बोलेगा, वो फलसफा एक्सप्लेन करेगा ये क्या है.
दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑफ रीजन ऑन मैटर दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ मजहब में है. मॉडर्न माइंड इज मेड टू थिंक कि दिस इज वॉट साइंस इज रनिंग अवे फ्रॉम. दिस इज नॉट साइंस इज समथिंग ऑपोजिट टू इट. ओनली बिलीव इन फैक्ट्स व्हाट कैन बी प्रूव. नो, नॉट ट्रू एट ऑल. इवन साइंस स्टार्ट्स विद सम नॉन रैशनल ओरिजिनल इंट्यूटिव फ्लैशेस ऑफ ट्रूथ. हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में ना डिटेल में डिस्कस किया है कि साइंस ऑल्सो हैज इट्स ओन अंडरलाइंग एजम्पशंस. मेरी राइज एंड फॉल ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन में वो बड़े डिटेल में डिस्कस हुआ है. सो आई विल पुट दैट लिंक समवेयर इन द वीडियो और इफ इट्स इन सम अदर प्लेटफॉर्म तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इट्स सीजन वन ऑफ माई पॉडकास्ट. मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और www.sulkaag.com. यहाँ से कुछ आपको चीज़ें जैसे साइंस में फर्स्ट यू हैव दिस इंट्यूटिव फ्लैश ऑफ ट्रूथ एंड देन यू स्टार्ट गिविंग ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंटेशंस प्रूफ्स एंड एलाबोरेशंस. तो ऑल वेदांतिन्स दे वुड प्राइमरली डिपेंड ऑन स्क्रिप्चर्स फॉर बिलीव इन गॉड. दे मेक फुल यूज ऑफ रीजनिंग आफ्टर दैट एलाबोरेशन के लिए और जस्टिफिकेशन के लिए. उनको उपनिषद से पता चला गॉड इज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ऑल इंक्लूसिव रियलिटी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स. नाउ दे वुड लॉजिकली ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल एंड हाउ इट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू बिलीव इन. एंड ईच वन ऑफ देम वुड ट्राई टू इन हिज ओन वे डेवलप व्हाट ही थिंक्स टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट थियरी ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स. बद्रयान के जो सूत्र हैं उनके पास वही वो सब्जेक्ट मैटर है खुदा का, इसीलिए उनको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं. लिखे वो इंसान के लिए गए हैं तो इसीलिए उनको शारीरिक सूत्र भी कहा जाता है. मैन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन वेदांत फिलॉसफी. द उपनिषद्स टीच अस दैट मैन हैज नो एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस ऑफ गॉड और दोनों शंकर और रामानुज को एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन ये डिपेंडेंस कैसी है इस पे वो डिसएग्री करते हैं.